हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं जिस डेडिकेशन दूंगी फ्रेंड्स, फिर दो तीन दिन का ब्रेक ले लिया था वीडियो में क्योंकि दिवाली फेस्टिवल चल रहा है तो घर में थोड़ा काम था। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, और अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो। तो ये वीडियो है हमारे पड़ोसियों का, और ये वीडियो पता है, ये वीडियो में लिखा है कि बन गया है समीकरण, सेमीफाइनल में इंडिया से भिड़ेगा पाकिस्तान। किसको सपना आया है ये? क्योंकि हमको, जहां तक हम लोगों को पता है, और वर्ल्ड कप का जो पॉइंट टेबल है उसमें तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट टिकट बुक हो गई है कराची या लाहौर एयरपोर्ट के लिए। तो आइए इसके इस वीडियो में समीकरण जो बने हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और भी लाइक जरूर करें फ्रेंड। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करें। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो स्वागत है जी आपका। पाकिस्तान की हार लगभग अब तय है, मतलब हार मतलब इस वर्ल्ड कप से ही पूरी की पूरी उनकी हार, यहां से बाहर होना उनका पूरा का पूरा तय है। लेकिन अब भी वो कौन से समीकरण हैं जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचा सकते हैं? अब भी वो कौन से टारगेट्स हैं, कौन सी इक्वेशंस हैं जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से ऊपर पहुंचा सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान अब भी इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच के नतीजे के बाद, जो कि ऑब्वियस सी बात है उनकी जीत से ही जुड़ा होना चाहिए, वो नतीजा आए तब जाकर। लेकिन इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो ये है कि टॉस जीतकर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं चुनता है और दूसरी बैटिंग के लिए जाता है तो वहां पर चीजें पूरी तरीके से खारिज हो जाएंगी। फिर आपके पास कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल स्पॉट पक्का करने का। ये पाकिस्तान करेगा नहीं, लेकिन मैं आपको सारी प्रोबेबिलिटीज बता देता हूं, सारी संभावनाएं बता देता हूं। दूसरी चीज, अगर इंग्लैंड ने भी टॉस जीतकर, सेम वही वाइस वर्सा चीज है कि अगर इंग्लैंड ने भी टॉस जीतकर यह कहा कि भाई नहीं, पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं करेगा, हम पहले बैटिंग करेंगे, तो भी मामला खारिज हो जाता है पूरी तरीके से। उसी समय पर टॉस के टाइम पर पाकिस्तान ऑफिशियली एग्जिट कर जाएगा इस वर्ल्ड कप से। लेकिन ये तो हुई कि डायरेक्टली कब पाकिस्तान बाहर हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास मुकाबले का जो एक चांस है, जो मुकाबले का जो नंबर है, वो क्या क्या है, उन पर बात कर लेते हैं। एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, इस तस्वीर में चारों वो सिनेरियोज लिखे हुए हैं जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। याद रखिए, जैसा मैंने कहा, सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान को पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करना है, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। अब वो टॉस जीतकर चाहे इंग्लैंड ये काम करवा दे कि भाई आप पहले बैटिंग कीजिए, या टॉस जीतकर पाकिस्तान खुद ये कहे कि हम पहले बैटिंग करेंगे, इन्हीं दो सूरतों में चीजें आगे बढ़ेंगी। क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप फॉर द सेमीफाइनल्स, सबसे पहले 300 रन बनाओ। और याद रखिए, इस विकेट पर आपको याद है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबला, विराट कोहली ने इतना स्ट्रगल करने के बाद कि भाई लगे हुए हैं, इतना हार्डवर्क करने के बाद, कहीं ना कहीं स्ट्रगल शायद गलत वर्ड है, इतना हार्डवर्क करने के बाद उन्होंने वो इनिंग्स बिल्डअप करी जिस वजह से टीम इंडिया क्लोज टू 300 जाने की सोच पाई। अदरवाइज यहां पर 400, यहां पे 300 बनाना बहुत डिफिकल्ट है। पाकिस्तान अगर 300 रन बनाता है पहले बैटिंग करने के बाद तो उन्हें इंग्लैंड को 13 रनों पर रोकना पड़ेगा, उन्हें इंग्लैंड को 13 रन पर ऑल आउट करना पड़ेगा, तब जाके जो मामला है वो उनके फेवर में आएगा। वो न्यूजीलैंड को सुपरसीड कर देंगे रन रेट के मामले में और वो उनसे ऊपर चले जाएंगे और खेल जो है वो न्यूजीलैंड के पक्ष में आ जाएगा। दूसरी सूरत क्या है, पाकिस्तान इस विकेट पर बनाए 400 रन और इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करे 112 रनों पर, 112 रन पर इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करो
और आप जो है अगेन न्यूजीलैंड को सुपरसीड कर जाओगे, आप न्यूजीलैंड से ऊपर आ जाओगे नेट रन रेट के मामले में, पॉइंट्स दोनों के बराबर हो जाएंगे, फिर बात नेट रन रेट को लेकर के देखी जाएगी और वहां पर आप आगे निकल जाओगे। इसके बाद की सूरत क्या है, स्कोर करो 450 रन, 450 बनाए पाकिस्तान और इंग्लैंड को 162 रनों पर रोक दे, 162 से पहले पहले 162 तक अगर इंग्लैंड को रोक दिया पाकिस्तान ने 450 रन बनाकर, तो ये खेल पाकिस्तान के हित में चला जाएगा। 400 के करीब करीब हमने रन्स बनते हुए देखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा टास्क है जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद दूसरी टीम को बहुत जल्दी आउट कर देना, ये एक बड़ा सवाल होने वाला है। एंड द फाइनल इक्वेशन इज पाकिस्तान 500 रन बनाए, जो कि ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसकी संभावना है बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान 500 रन बनाए, इंग्लैंड को ऑल आउट करे 211 रनों पर और आप इस खेल को जीत जाओ, इस मैच को जीत जाओ, तो भी आप सेमीफाइनल स्पॉट अपना पक्का कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, 500 रन बनाना, 450 रन बनाना दूर की कौड़ी है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि इसकी संभावनाएं कितनी ज़्यादा महीन है, ये कितना ज़्यादा एक 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 पेरिल टास्क है जिसको आप अचीव कर पाओगे। तो 211 रन पर ऑल आउट करना पड़ेगा अगर 500 बनाते हैं, 450 रन अगर पाकिस्तान की टीम बनाती है तो 162 पर आउट करना है, अगर पाकिस्तान की टीम बनाती है 400 रन तो इंग्लैंड को ऑल आउट करना है 112 रनों पर, और 300 रन यानी 13 रन पर ऑल आउट करना है, जो कि अगेन अब ये दो इक्वेशंस बड़ी दिलचस्प है। 300 बहुत आसानी से बन जाता है क्रिकेट मैच में, 50 ओवर के क्रिकेट मैच में, लेकिन क्या नहीं होता है कि सामने वाली टीम 13 रन पर ऑल आउट नहीं होती है। 500 नहीं बनता है, ये बहुत एक हरक्यूलस टास्क होगा, 211 रनों पर टीम आराम से ढेर हो जाती है। तो अब ये देखना है पाकिस्तान की क्रिकेट को कि वो क्या इन में से किसी भी एक टारगेट को अचीव कर पाते हैं, अगर वो कर पाते हैं तो वो सेमीफाइनल में होंगे, अगर वो नहीं कर पाते हैं, और जैसा मैंने कहा टॉस वाली बात याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो ही ये सब कुछ सारी की सारी चीज़ें इक्वेशन में आएंगी, अदरवाइज टॉस के साथ ही इंग्लैंड जो है वो जीते ना जीते पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। और आपको पता है कि जो टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट फिर होंगी, इंडिया न्यूजीलैंड जो अभी एक मैच होगा और एक जो होगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, इंडिया न्यूजीलैंड इन मुंबई, तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, तो ये थी संभावनाएं यानी इक्वेशन, पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में आना है तो उसकी बहुत बड़ी, मेरे को तो लगता है ये नामुमकिन बात है। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे समीकरण बने हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान को कर गुजरना है तब पाकिस्तान आएगा सेमीफाइनल में इंडिया के सामने। तो इसमें सबसे वो तो नामुमकिन ही लग रहा है, 500 रन करेंगे तब उसको 200 प्लस से हराना पड़ेगा, मतलब ऑल आउट करना पड़ेगा, 500 तो इम्पॉसिबल बात है। और करीबन मैंने इसमें सुना था, शॉर्ट फॉर्म में अगर बताए तो पौने 300 रन से उनको करीबन 290 के आसपास उनको जीतना पड़ेगा, तब उनको उनकी रन रेट बीट करेगी न्यूजीलैंड की रन रेट से। फ्रेंड, तो ये तो मतलब मुश्किल है। हाँ, हो सकता है यार, अगर हमारे बुमराह, सभी और हमारे सिराज जैसे बॉलर हो तो, क्योंकि काफ़ी कम पे हम लोगों ने, हमारे बॉलरों ने आउट किया है, लेकिन फिलहाल उनके पास ये नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए यही तो बात है ना, पाकिस्तान एंटर किया था नंबर वर्ल्ड बॉलिंग पे वर्ल्ड कप में, लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया। तो अभी पाकिस्तान का मेरे को लगता है नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से, जैसे मैंने बनाया बोला ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये सब चीज़ उनको करनी पड़ेगी। और वो भी, ये तो सब बात की बात है, सबसे पहले तो टॉस मैटर करेगा, और पाकिस्तान पहले अगर बैटिंग करता है तो ही, अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली और पाकिस्तान को चेस करने के लिए टारगेट मिला तो उसी वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ये नामुमकिन उनको जो रन रेट बनानी है वो केवल और केवल पहले बैटिंग करते हुए ही होगा,
तो बहुत ही डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान पहले ही बाहर हो जाता, लेकिन बारिश ने बचा लिया पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड ने 402 रन मारने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा उनको डकवर्क लुइस के डिसीजन, जो उसके अंडर जो गणित आता है उसमें फ्रेंड्स। तो पहले से ही पाकिस्तान को मतलब रन रेट पे ध्यान बना के रखना था, जो वो नहीं बना सकी फ्रेंड्स। और लगातार जो 4 मैच हारी और वो भी लो रन रेट से हारी है, तो उनको भारी पड़ गया। तो अभी ऑलमोस्ट हमारे पड़ोसियों को हमने बहुत खातिरदारी कर ली, बहुत हम लोगों ने खिला दी बिरयानी। अभी हमारे पाकिस्तान हमारे पड़ोसियों को जाने का टाइम आ गया है। तो ऑलमोस्ट ये समझो 98% जाने का टाइम आ गया है, 2% इधर उधर हो सकता है। हाँ तो आइए मतलब मैच देखेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान का, तब पता चलेगा फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, अगर पाकिस्तान आती सेमीफाइनल में तो अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल वो डिजर्व ही नहीं करती। क्यों डिजर्व नहीं करती पता है? देखो ये बहुत भारी वर्ड्स है डिजर्व, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में इस हिसाब से क्रिकेट खेली ही नहीं है कि वो सेमीफाइनल में आए फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया भी शुरू के मैच हारा था, लेकिन उन्होंने उसके बाद पिकअप किया और उनकी टीम फॉर्म में आई फ्रेंड्स। और न्यूजीलैंड ने बीच अच्छा वर्ल्ड कप शुरू किया था, बीच में वो थोड़ी सी लो पड़ गई थी, फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही वर्ल्ड कप के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है, तो वर्ल्ड कप में किस हिसाब से मतलब सेमीफाइनल खेलेगी फ्रेंड्स। तो क्योंकि ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी वर्ल्ड कप में फ्रेंड्स शुरू से ही आपको एक मोमेंटम बना के रखना है, और बीच में आप अगर लूज भी करें तो आपको फिर फॉर्म में आना पड़ता है। तो पाकिस्तान का ये चीज़ हुआ ही नहीं है, इसीलिए उनकी टिकटें लगभग लगभग फाइनल हो गई है कराची या लाहौर एयरपोर्ट के लिए, और जो उनको सूट करेगा उधर उतरेंगे वो और हम खेलेंगे। अब देखिए पहले तो सेमीफाइनल हम खेलेंगे, और सेमीफाइनल हमारा भी न्यूजीलैंड के सामने आ रहा है, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होके, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमको 2-3 बार नॉकआउट राउंड से बाहर निकाला है फ्रेंड्स। तो न्यूजीलैंड भी बहुत टफ टीम है, तो हमारी भी होप और हमारी टीम पे भरोसा पूरा है, तो हम जरूर सेमीफाइनल भी जीतेंगे। और एक तो कल दिवाली मनाएंगे जोरों शोरों से, और एक दिवाली मनाएंगे 19 तारीख को वर्ल्ड कप हाथ में लेके फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। प्लीज लाइक नहीं भूले फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।